हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। 356 रुपये में शेयर का प्राइस मिल रहा है, क्या शेयर को बाय करना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है। कंपनी 417 करके लिस्टिंग हुआ था 2017 में और ये शेयर लो लगा था 99 रुपीज़। और यहाँ पर आप देखोगे हाल ही फिलहाल में ये शेयर 400 क्रॉस किया था, 427 तक गया था, लेकिन अभी ये शेयर 356 रुपये में मिल रहा है। ओवरऑल 14% की गिरावट दे रहा है, क्या ऐसे को बाय करना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है। हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड स्ट्रांग रहेगा बाय करेंगे, नहीं दोस्तों अवॉइड करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर वाइज डाटा, तो रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ है, नेटवर्थ में भी ग्रोथ है, मेन चीज है प्रॉफिट। दोस्तों देख सकते हो 2100 करोड़ 1800 करोड़ प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन इस बार कंपनी 2023 में 6577 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी। और एक प्रमोटर रखे हैं 85%, डोमेस्टिक वाले 10%, रिटेल इन्वेस्टर 2.29%, फॉरेन इन्वेस्टर कम रखे, म्यूचुअल फंड कम रखे। कंपनी का अगर फुल डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा तो BSE और NSE दोनों में कंपनी लिस्टिंग है। 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पीटी के बुक वैल्यू से ऊपर से मिल रहा है, हाईली दक्ष तो डिविडेंड देता है, आरओसी पॉजिटिव, फेस वैल्यू 5 का है, कर्जा 1 रुपए का नहीं, रिजर्व रखा है, एसेट रखा है, वॉल्यूम डेटा फ्रीकेश रखा है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव, नेटवर्क पॉजिटिव, 6 महीने में अच्छा रिटर्न दिया है, सेल ग्रोथ नेगेटिव, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, नेट प्रॉफिट पॉजिटिव। तो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, कंपनी आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करेगा। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।